नमस्कार, मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं जेजेबी न्यूज। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। जहां बीजेपी सरकार शिक्षा को लेके इतने खर्चे और इतने दावे करती है, वहीं कई ऐसे ट्रस्ट हैं, कई ऐसे फाउंडेशन हैं और कई ऐसे समाजसेवी हैं जो लोगों को पढ़ाने का और उनको मुकाम तक पहुँचाने का जिम्मेदारी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही स्किल आर्ट का, जिसमें कई लोगों ने मिल के कई बच्चों को एडॉप्ट किया और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेदारी लिए। आइए हम जानते हैं उनके एक पदाधिकारी से कि आखिर में ये कैसे करते हैं और इन लोगों का टारगेट क्या है। नमस्कार, क्या है आपका टारगेट जो आप स्किल आर्ट के तहत आप लोग जो कर रहे हो बच्चों को? देखिए, जो आज का दौर रहा है और जो आर्थिक स्थितियों से जो बच्चे गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन जिनकी अच्छी नहीं होती है, आप देखेंगे तो स्लम एरिया में जो हमारे गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक पहल की है स्किल आर्ट की तरफ, स्किल की तरफ, तो इसी से रिलेट मैं 3 साल पहले इसका एक गठन किया एक ट्रस्ट का और इसी के अंडर मैंने अपना काम चालू किया। हमारी एक ट्रस्ट है जिसमें हमारे मेंबर्स हैं माननीय नानजी भाई ठक्कर जी, जो जय भगवान ट्रस्ट के, एनकेडी ट्रस्ट के कर्ता धरता हैं, उनके पुत्र परेश ठक्कर जी हैं जो हमारे मेंबर हैं, और मनोज सिंह जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और नितेश शेट्टी करके एक हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, और मैं खुद मिलके ऐसे हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से स्थितियों से गुजर रहे सर, उनको हम लेके मदद करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप स्टडी तो कर लिए, 10th 12th की पढ़ाई तो कर लिए, बट इसके बाद आज के दौर में आप कहीं पर भी इंटरव्यू करने जाते हो तो वहाँ पर एक लेकिन आता है कि आप कितने एक्सपीरियंस हो, क्या हुनर आपके अंदर है ना। तो इस चीज़ को निकालने के लिए हमने अलग अलग कुछ कोर्सेज़ को हमने आइडेंटिफाई करके निकाल लिया है। अब जैसे मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता देना चाहता हूँ। ऐसे कोर्सेज़ तो हमारे पास 350 है जिस पर हम वर्क करते हैं, बट ऐसे कुछ कोर्सेज़ हैं जो मार्केट में एक्टिवली, जहाँ एम्प्लॉयमेंट बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सर्वे आया था, आप अगर चेक करेंगे, सेप्टेम्बर 2017 में, 16-17 सेप्टेम्बर की न्यूज़ है ये। डॉक्टर साउथ के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने एक मेडिकल फील्ड में हर साल, मेडिकल फील्ड मतलब आप समझ रहे हो, हॉस्पिटल भी इस फील्ड में, हर साल करीबन 1.5 लाख प्लस एम्प्लॉयमेंट है। तो मैंने क्या किया, इसी सेक्टर को कवर किया हुआ है जहाँ पे बच्चों को हम असिस्टेंट नर्सिंग हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया, ICU टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, सोनोग्राफी टेक्नीशियन हो गया, इस तरह के हम कोर्सेस एक एक साल के कोर्स कराते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज मेडिकल फील्ड एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, तो आप लोग कितने प्रतिशत छूट देते हैं और क्या फ़ायदा होता है लोगों को? देखिए सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, इसका कंसेप्ट पहले बता दो। यहाँ पे हमने एक सिस्टम रखा हुआ है, बच्चा अगर आर्थिक स्थिति से सही नहीं है तो हम क्या करते, एक ट्रस्ट की मदद लेते हैं। इसमें हम क्या करते, पहले बच्चे से एक फॉर्म का 500 रुपीज़ जमा कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म के उसने 500 भर दिए, बाकी उसके मेडिकल किट, ड्रेस, बुक्स, ये सब के जो खर्चे हैं, अगर बच्चा वेयर कर सके तो वेयर करे, नहीं तो हम उसे भी वे ऑफ करा देते हैं। अब बच्चे की जो भी फीस है 35,000, 40,000, 50,000, वो हम ख़त्म कर देते हैं, उसको किसी ट्रस्ट के संस्था के थ्रू हम पेमेंट करवा देते हैं। दूसरी बात है, जब बच्चा इंटर्नशिप की तरफ जाता है, मतलब 3 महीने हम क्या करते हैं, 4 महीने बच्चों को थियरी के पार्ट कराते हैं सर, जिसमें बच्चे का थियरी पार्ट कवर हो जाता है, और उसके बाद बचा हुआ 9 महीना या 10 महीना रह जाता है बच्चे का, वो बच्चा हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करता है। बाहर के आप कॉलेजेस को पता करेंगे तो बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं तो वहाँ पे 1 रुपया उनको मिलता नहीं है, वो कॉलेज के पास पॉकेट में चला जाता है। हम क्या करते हैं, उस आर्थिक स्थिति से जो पैसे आते हैं उसमें से हम ट्रस्ट को रिटर्न कर देते हैं कि उस पैसे से फिर दोबारा बच्चा आ गया। ये हमने एक साइकिल बना रखी है, मतलब एक बच्चा क्या करता है, उस ट्रस्ट को फिर अपना पैसा ड्यूरिंग द एजुकेशन पे कर देता है, बच्चों को 1,000 रुपये हम पॉकेट में दे देते हैं, वो आने जाने का ट्रैवलिंग। इस तरह बच्चा जब 1 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके बाद 2 चीज़ें होती है, पहली उसने थियरी पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना, दूसरा 9 मंथ का प्रैक्टिकल भी। अब वो इंटरव्यू में जाता है तो ये नहीं बोलता कि मैंने आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस डॉक्टर लिख के देता है, भाई 9 मंथ का एक्सपीरियंस है, ये उसके अंदर कवर किया जाता है। तो आपने जो ये सारी चीज़ें बताई हैं अभी फ़िलहाल, तो इसमें अभी तक मतलब कितना एक्सपेंडेड हो चुका है और अपनों का टारगेट कितना है, कितने बच्चों को आप लोग यहाँ पे मार्केट में डालने वाले? बिल्कुल, देखिए ये हमारी शुरुआती दौर है, शुरुआती में आप समझ सकते हैं कि मैं जब 750 को जॉब प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, 350 को मैंने कहा कि मैं आज ट्रेन कर रहा हूँ। देखिए विजन बहुत बड़ा है,
विजन आज अगर समाज देखा जाए हमारा, आज भी मोदी जी का एक रैली हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास 65% अभी भी गांव खेड़े गरीब लोग हैं सर, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे, तो हमारा टारगेट तो हम 65 को तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट हमारा उम्मीद है कि हम हर साल 1500 जो मैंने महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का एक योजना है उसके अंदर मैंने लिख के दिया है कि हर साल मैं 1500 से 4000 बच्चों को मैं ट्रेन करूँगा, उनको सक्षम करूँगा, उनको नौकरी दिलाने की वादा करके रखा हूँ जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, ये मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट है उनके साथ। सर आप लोगों, आपने जो बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ आपका एग्रीमेंट है, आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहोगे इस शिक्षा को लेकर? देखिए दो चीज़ आ जाती है, अगर इसको अवेयरनेस, देखिए मार्केट में बहुत सी चीज़ें धांधली होती है, लोगों को ये होता है कि फ्री है मतलब कुछ तो फ्रॉड है, इस कंसेप्ट से लोग पहले बचे। मैं कहता हूँ कि अगर आप फ्री वर्ड सुन रहे तो आप जाके पहले समझें कि चीज़ें क्या हैं, कोर्स क्या है, क्या करा रहे, कितने चीज, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। ऑन रिटर्न सामने ऑर्गेनाइजेशन लिख के देता है कि आपके जॉब प्लेसमेंट, क्योंकि जॉब प्लेसमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट, जॉब असिस्टेंट इज़ समथिंग डिफरेंट, मगर मैं अगर किसको प्लेस करता हूँ ये प्लेसमेंट हो गया, असिस्टेंट मतलब मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ, तो आप समझ रहे सिर्फ वर्ड के फ़र्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग, उनसे बस एक रिक्वेस्ट कहूँगा कि आप स्किल आर्ट जो आज हमारे पास करीबन 5 ब्रांच है, आपको बता दूँ सबसे मेन ब्रांच इसका NKT कॉलेज थाने का सेकंड बड़ा कॉलेज, आप सम 10,000 स्टूडेंट वहाँ पे, सेकंड उसका ब्रांच डोंबिवली है, तीसरा ब्रांच हम मुरबाड रखे हैं, चौथा भिवंडी है और पांचवा वागले स्टेट तिसलम एरिया हमने ओपन किया है कि बच्चों को दूर आना जाना ना पड़े, बच्चे के घर के नियर बाय सुविधा उपलब्ध की गई है, ठीक है। और सर मेरा उम्मीद एक ही है कि जितने भी हमारे मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये तीनों लोग जितने लोग हो सकते इसमें पार्टिसिपेट करें, कोर्स आपके मन के मुताबिक है, शादीशुदा मतलब इसके मिनिमम उम्र जो होती है सर 17 साल होनी चाहिए, और 40 से 42 साल की औरतें इसे कर सकते हैं या पुरुष कर सकते हैं इसे, इस कोर्स में इतना टैलेंट है सर। स्किल आर्ट की हम बात करें तो स्किल आर्ट के तहत कई सारे ब्रांचेस खोले गए हैं जिसमें वागले स्टेट भी एक मुख्य भूमिका निभाने का काम कर रहा है। वहीं हम जानेंगे इनसे कि आखिर में वागले स्टेट जहां पे स्लम एरिया है और राजनीतिक भूमिका वहां पे बहुत ज़्यादा रहता है थाने की सिटी को लेके, तो आखिर में स्किल आर्ट जिस तरह से यहां पे पेश किया गया है वागले स्टेट में, तो कौन है वो पेश करवाने वाला और क्या थिंकिंग है आपकी? देखिए ये आपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन प्रश्न की एक अपने मुद्दा रखा है कि मेरे 5 ब्रांच में से वागले स्टेट ही क्यों डाला गया। देखिए हमारे माननीय जो मनोज सिंह जी हैं, इनके स्वर्गीय पिताजी है ना उदय प्रताप सिंह जी, बहुत लोक चर्चित रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं वागले स्टेट इंदिरा नगर में, आप उनके घर घर पूछिए आप उनके, तो लोग काफ़ी उन्हें तहे दिल से मानते हैं और आज भी मैं उनकी लोकप्रियता को देखा हूँ। इनका एक ख्वाहिश था कि ये कुछ इंदिरा नगर जैसे अपने एक रीज़न को अपने एक रहे जहाँ पे उनका जन्म हुआ मान लीजिए कि जहाँ पे कर्म भूमि रही है उसे कुछ दे पाए, तो इस चीज़ का बेड़ा स्वर्गीय उदय प्रताप सिंह नहीं निभा पाए, तो उनके पुत्र ने प्रेरणा लिए इस चीज़ों को आगे बढ़ाने की। मनोज सिंह जी ने इसकी बहुत तहे दिल से इसकी शुरुआत की हुई है और वागले स्टेट जो स्लम एरिया आज करीबन मुझे ऐसा अनुमान है सर कि ये करीबन 10,000 के आसपास की आबादी या ज़्यादा की आबादी की शायद क्षेत्र है, और यहाँ के जो बच्चे स्लम एरिया के बच्चे निकलते हैं तो ये बहुत छोटे मोटे व्यापार धंधे रोजगार रिक्शा चलाना इसमें चले जाते, तो मनोज जो हमारे सर जी रहे हैं इनका ये वेड़ा इसीलिए कि ये अपने पैर पे सक्षम हो, ऑटोमोबाइल होटल मैनेजमेंट जैसे बड़े कोर्स करें जहाँ पे बच्चे खुद के रोजगार खुद पैदा कर पाएँ। सर लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज वागले स्टेट थाने सिटी का सबसे बड़ा हब है जहाँ पे पॉलिटिकल आज देखा जाए तो पालक मंत्री हैं, लेकिन वागले स्टेट का आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो कोई भी बच्चा आखिर में राजनीति के पास ज़्यादा थ्रो करता है ना कि पढ़ने पे, तो इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए कैसा है कि राजनीति का तजुर्बा मेरा कुछ ज़्यादा नहीं रहा है, बट जो मैं समझ सका हूँ जो मेरे गुरु मनोज सिंह ने समझाया मुझे यही लगता है कि आज बच्चों को सिर्फ नौकरी के नाम पर मॉल में लगा देना, कॉल सेंटर में लगा देना, मथाड़ी कामगार में लगा देना, इससे नेताओं को लगता है कि हमने उसको रोजगार दे दिया। मेरा कंसर्न ये है कि आप उसको टेम्प्रेरी हटा के अगर परमानेंटली ऐसा कुछ सुविधा कर दें जिस उस बच्चे का, जैसे आपने कहा पालक मंत्री जी रहे हमारे, देखिए मुझे उन पर टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि अभी आदरणीय रहे थाने के, आदरणीय हैं, और मैं एक ही कहना चाहूँगा कि मैं ये कोर जो मनोज सर ने उठाई है बीड़ा,
कि बच्चों को शख्स उसके लायक उसके हुनर के हिसाब से उसको काम सिखा दो, वो परमानेंट एक एक बीड़ा नहीं, आप समझ सकते हैं, अगर आप सीख लेते हो तो आपका बच्चा भी आगे कैरी फॉरवर्ड करता है उन चीज़ों को। तो ये जो बीड़ा है वो सबसे हट के, और इससे पॉलिटिक्स से ना जुड़िए, सबसे अच्छी बात ये होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स आप समझ सकते हो ये सिर्फ अपना फ़ायदा होता है लोगों का, ठीक है, इसमें आपस में ही लोगों को टच कर देना, बट इन सबसे हट के जो मनोज सिंह जी ने बेड़ा उठाया वागले स्टेट को लेके चलना, उस भार को कंधे पर उठाना, ये खाने की बात नहीं सर। शुरुआती दौर में इंसान ठोकर खा खा के, सुना हूँ कि मैं ठोकर खा खा के बीज उगे हैं और जब फल दिए तो साया कोई और ले गया, वही हाल है सर। तो सर एक लास्ट सवाल, आप एक शिक्षित हैं और इतने लोगों को शिक्षा देने का बेड़ा उठाया आप लोगों ने, आज की जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, बीजेपी और शिवसेना कहती है, पहले यही शिवसेना बीजेपी पे तंग कसती थी और बीजेपी टंग करती थी, लेकिन आज दोनों एक हाथ मिला के गले मिल के आज दोनों सिर्फ एक को वोट डालने के लिए बात करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अब रह गई ये इनकी जो गठबंधन की सरकार अब चालू हो गई, ठीक है, इस पर टिप्पणी ना ही हम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बट इसके लिए मैं एक बात कह दूंगा कि बच्चों को जितना हम शिक्षित कर दें, अगर वो पढ़ लें, समझदारी आ जाए, वो अपने लायक पर हो जाए सर, तो उनको समझ में आएगा कि गठबंधन जो हुई है स्वार्थ के लिए है ना, तो मुझे कहाँ किसको वोट देना है, एक वोट मुझे कहाँ किसको देना है, ये अगर मैं बच्चों को सिखा लूँ मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं होगी। और मैं बहुत धन्यवाद चाहूँगा मेरे जो भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहूँ, बस सर। तो देखा आपने कि किस तरह से एक शिक्षित व्यक्ति ने कहा कि अगर जब लोग शिक्षित रहेंगे तो समझ पाएंगे कि वोट कहाँ डालना है, कौन सी सरकार को चुनना है, ये सही बात है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में रहने के लिए वो कुछ भी और किसी की भी बलि देने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखते रहिए, हम आपको हर खबर का पहलू दिखाते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप पालवी के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। आप हमारे यूट्यूब पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।